राम मंदिर हिंदू के हर हिंदू, भारत के हर हिंदू के आस्था से जुड़ा हुआ चीज है। मनीष कश्यप ने अकेले ठेका नहीं ले रखा है राम मंदिर का। बात कीजिए, सुनिए आपसे फैक्ट्स पे बात करो, आपसे बांग्लादेशी घुसपैठिए पे बात किया तो बांग्लादेशी पे बोलिए। अरे कैसे उसका समाधान करेंगे? लात मार के भगा देंगे। कैसे? अब हम बता दिए ना, लात मार के भगाएंगे। किशनगंज में जाके आप बोलिएगा, इस अररिया में बोलिएगा। सुनिए, लात से मार के भगाएंगे आपको। अरे ये ताली बजाने से नहीं होता है। नाम सुनिए, राज सिंह नाम है, जात के राजपूत हैं, समझ गए ना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो दोस्तों फिर से आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज जिस पत्रकार ने मनीष कश्यप की बहुत ही बुरी तरीके से बैंड बजाई है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक एंजॉय कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बांग्लादेशी को डेफिनेटली भगाएंगे और एकदम 100%। क्या है, अमिता विश्वास शर्मा से भी यही हम सवाल पूछे थे, कैसे भगाएंगे? कैसे वो देख लीजिएगा। नहीं कैसे देखेंगे, कैसे आप जनता को बताएंगे ना? यही ना पत्रकार लोग पूछ रहे थे। एक मिनट, आपका सवाल हो गया, आप जवाब सुन लीजिए। हाँ। पत्रकार लोग पूछ रहे थे राम मंदिर कैसे बना दीजिएगा। आप नहीं, आप ये राम मंदिर पे क्यों लेके जा रहे हैं? संघ से निकले हैं, जो जितने हिंदू हैं सब राम मंदिर से आस्था जुड़ा हुआ है। बीजेपी वाला अलग से आस्था जोड़ के रखता है राम मंदिर से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। संघ से अगर जुड़े हैं, सुनिए संघ से जुड़े हैं तो बीपी हाई मत कीजिए। नहीं बीपी हाई नहीं, आपने आप बोला कि राम मंदिर के बारे में बोला, राम मंदिर को काहे बीच में ले आए आप? हम नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठिए पे आपसे मुद्दे पे बात हो रही है। आप राम मंदिर मत लाइए, राम मंदिर को किनारे कीजिए, बांग्लादेशी पे बात कीजिए। राम मंदिर हिंदू के हर हिंदू, भारत के हर हिंदू के आस्था से जुड़ा हुआ चीज है। मनीष कश्यप ने अकेले ठेका नहीं ले रखा है राम मंदिर का। गजब बेइज्जती है। जब हम आपको समझाने का प्रयास किए, कहाँ बता रहे हैं? अरे आप बोल ही नहीं रहे तो सही। हम पूछ रहे हैं बांग्लादेशी, आप बोल रहे हैं राम मंदिर। हम पूछ रहे हैं बांग्लादेशी, आप 370 की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने कश्मीर से धारा 370 हटाया, अच्छा जिस प्रकार से अयोध्या में सब लोग कहते थे कैसे बना देंगे और हमने राम मंदिर बनाया, वैसे ही झारखंड से बांग्लादेशियों को हम लोग भगाएंगे और चुनाव बाद आप उस चीज को देखेंगे। हम 20 सेकंड में कंप्लीट कर लिए, अब जाइए भैया, हमारे पास उतना ये नहीं है, वक्त नहीं है, समय नहीं, 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 नहीं हम लोग सवालों का जवाब नहीं है, हम लोग सवालों का जवाब नहीं है, जवाब देंगे। बांग्लादेशी घुसपैठिए पे बोले हैं, जब धारा 370 की बात होती थी, सुन लीजिएगा, बीच में टोकिए नहीं तो आप ही 5 मिनट बोल लीजिए, तब हम जवाब देंगे। धारा 370 कब से है बीजेपी के मैनिफेस्टो में? मोदी जी कब गए लाल चौक पे? मोदी जी कब गए 370 को लेके लाल चौक पे? मोदी जी कब गए थे 370 को लेके लाल चौक पे? लाल चौक पे झंडा कब फहराया था? किस ईस्वी में फहराया था? ये फंस गया सीएम। किस ईस्वी में फहराया था आप हमको बताइए ना। 90 के दशक में मोदी जी लाल चौक पे गए थे। 90 में? और की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, सुनिए भैया, आप सुनिए 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 बात कीजिए। सुनिए आपसे फैक्ट्स पे बात करो, आपसे बांग्लादेशी घुसपैठिए पे बात किया तो बांग्लादेशी पे बोलिए। अरे कैसे उसका समाधान करेंगे? लात मार के भगा देंगे। कैसे? अब हम बता दिए ना, लात मार के भगाएंगे। किशनगंज में जाके आप बोलिएगा, इस अररिया में बोलिएगा। सुनिए, लात मार के भगाएंगे आपको। अरे ये ताली बजाने से नहीं होता है भैया। आपको जब हम पूरा ब्रीफ में समझाने का प्रयास किए, हमको मत समझाइए, वोटर को समझाइए। जब आप बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको कैसे वोटर सवाल करेगा? जब आप दे देंगे, जाइए। अरे भैया आप ऐसे आप बोले कि नहीं देंगे, नहीं देंगे हम। हाँ बहुत बढ़िया, ये मनीष कश्यप है, ये मनीष भैया, ये मनीष भैया, बस हवा निकल गई। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके भी मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।